ਸਾਥੀਓ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕੋ ਮਨਾਤੇ ਹੋਏ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਗੋਕੁਲਧਾਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਆ ਹੈ। आप सब अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ परसों सवेरे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज के कीर्तन का आनंद प्राप्त करने के लिए भाई वाह 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 मजा आ गया सोनी, क्या बात। अरे भाई गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर हमारी सोसाइटी में कीर्तन होगा, बहुत बढ़िया सोचा तूने सोनी, बहुत बढ़िया सोचा। नहीं नहीं वाकई में मजा आएगा। यानी कल कीर्तन की तैयारी होगी और परसों पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में भक्ति का मधुर रस गुंजेगा। सोनी भाई मैं भी आ सकता हूँ ना? वो क्यों नहीं आ सकता अब्दुल? वो बिल्कुल आ सकता है तू अब्दुल। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबानी कीर्तन में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है। और गुरु नानक देव जी तो गुरु ग्रंथ साहब जी में कही गए हैं, एक ओंकार। अब्दुल इसका मतलब है कि सबका पालनहार एक ही है, सबका मालिक एक ही है। करेक्ट किया चाचा जी। अब्दुल तू भी उस दिन मस्त तैयार होके आ जाना। जरूर जरूर। और चाचा जी तुझे भी आ जाना, चेटा बड़ा तुझे भी आ जाना, पप्पू मेहता साहब, अंजली भाभी, आप सब आ जाना, हाथी भाई, कमल भाभी, आप सब ने आना है, जरूर आना है, जरूर आना है। हाँ हाँ जरूर आएंगे भाई, आएंगे जरूर आएंगे। गुरु महाराज के कीर्तन का सब मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। खुशखबरी देनी है। आ, क्या बात है सोनी, लॉटरी वोटरी लग गई क्या? और लॉटरी भी लग जाएगी यार। और खुशखबरी ये है, इस साल तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550 साला प्रकाश उत्सव मनाते हुए सोनी फैमिली ने परसों सवेरे अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह माधवी भाभी, टमो ने पन आखी फैमिली के साथ कीर्तन में आना है। मुझे का रोशन भाभी आएंगे ही। जेठा बड़ा तुसी नट्टू काका और बागा नू भी कीर्तन में आने के लिए बोल देना। अरे वाह, हाँ जरूर जरूर बोल दूंगा छोटे, जरूर बोल दूंगा। अब्दुल परसों हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, इस बात का अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा देना। लगा दूंगा। और पेड़ो तो नोटिस बोर्ड पे लिख देना, ताकि जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाए। हाँ तो ठीक है, लेकिन सोड़ी मैं ऐसे कैसे लिख दूँ? वो ऐसे कैसे लिख दूँ मतलब, वो जैसे तू नोटिस बोर्ड पे जाके चौक उठा के तू विचार लिखता है, वैसे लिख देना। अरे सोड़ी तुम समझ रही, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो इस नाते मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन क्यों नहीं दे सकता भाई? क्योंकि क्योंकि क्या भिड़े है? अपनी सोसाइटी में सोढ़ी इतना पावन, इतना शुभ, इतना धार्मिक कार्य करने जा रहा है, तुम उसकी परमिशन देने से मना कर रहे हो भाई? पर भिड़े भाई आपको परमिशन देने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन लेकिन क्या आत्माराम? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दे दो परमिशन। हाँ अरे ये तुम बोल रहे हो यार, मैं ऐसे परमिशन नहीं दे सकता भाई। अरे ए डीजे मास्टर, क्या पुराने टेप रिकॉर्ड की तरह एक ही रिकॉर्ड बजाया जा रहा है? परमिशन नहीं दे सकता, परमिशन नहीं दे सकता। एक मिनट भिड़े भाई, देखिए कीर्तन के आयोजन से हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे परमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोसाइटी में कीर्तन रखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सोसाइटी के नियमों के अनुसार अगर सोसाइटी में आपको कोई प्रोग्राम करना है तो उसकी लिखित अर्जी सेक्रेटरी को देनी पड़ती है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार थोड़ी मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दे तो मैं परमिशन दे दूंगा।
तू भी कमाल है भाई, पहले नहीं बता सकता था। मैंने बबलाल मजाक कर रहा था। नहीं नहीं जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा था भाई, मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा था, सब लोग बोले जा रहे थे। और याद है ना आप सबको, सोसाइटी मीटिंग में ये क्लियरली सर्वानुमते तय हुआ है कि अगर सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करना है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को लिखित में अर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। ओ पिड़ू, वो नियमों के बारे में मुझे भी पता है, और मैं तेरे को लेटर देने ही वाला हूँ, वो तो मैं अभी सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ यार। बस पिंडी मास्टर, अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चाचा जी मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्री रोशन सिंह सोढ़ी जी को परसों कीर्तन करने की परमिशन देता हूँ। सूर्य अंकल, आप स्टेज और डेकोरेशन की बिल्कुल भी चिंता मत करना। टप्पू से आया ना तो संभालेगी। आप पापा तुसी टेंशन ना लो, असली तो कल सवेरे ही स्टेज और डेकोरेशन का काम शुरू कर देंगे। शाबाश बच्चों, लेकिन कीर्तन का प्रोग्राम है ना तो उसमें कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है, तो मेरे घर चलते हैं, मैं तुमको सब समझा देता हूँ। और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, परसों सवेरे ठीक 8 बजे हम लोग तैयार होके मिलते हैं। जरा तुझसे एक बात करनी है। हाँ तो कहो जेठालाल, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। छोटी था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन तूने अभी जो किया ना बहुत गलत किया दोस्त। मैंने क्या गलत किया? पहले तूने बोला कि बिना लिखित अर्जी के तू परवानगी नहीं दे सकता, बराबर? और अभी तूने बिना लिखित अर्जी के परवानगी कैसे दे दी? छोटी तो तुझे लिखित अर्जी कल देगा ना, उसके पहले तूने परवानगी दी कैसे है माता साहब? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं भिड़े, तुमने बिल्कुल गलत किया, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे भिड़े, तुम एक जिम्मेदार पद पे हो, सेक्रेटरी हो सोसाइटी की, इतनी जिम्मेदारी है, अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी इस तरह से नियम तोड़ेगा तो बाकी लोग भी नियम तोड़ेंगे, है ना जेठल? आगे आगे उधर उधर आगे बढ़ो। है डॉक्टर आती? सही कह रहा हूँ ना मैं? सही बात है मेहता साहब। भिड़े मास्टर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों अय्यर भाई? हाँ आदरम, तुमने सेक्रेटरी होने का गलत फायदा उठाया। अय्यर, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों बबड़लाल? हाँ हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी के सारे नियम कैंसिल कर दो, या तो फिर ये सेक्रेटरी को कैंसिल कर दो। अरे अभी तुम लोगों ने बोला ना कि सोढ़ी को बिना एप्लीकेशन परमिशन दे दो। अरे भाई, वो तो हम देखना चाहते थे कि हमारी सोसाइटी के एक सेक्रेटरी साहब लोगों की जीत के सामने झुक जाते हैं या अपने उसूलों और नियमों पे कायम रहते हैं। अफसोस भाई, तू अपनी नियमगिरी निभाने में बहुत कच्चा साबित हुआ भाई। बहुत कच्चा, बहुत कच्चा। कमाल है, परमिशन दू तो प्रॉब्लम, परमिशन ना दू तो प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सेक्रेटरी पद पे रहना ही नहीं है। अरे भिड़े, हम लोग मजाक कर रहे थे। अरे मजाक चल रही है। चल चल भिड़े, अभी मजाक बहुत हो गया, चल घर चल, जल्दी सो जा वरना कल फिर देर से उठेगा। चलो भाई चलो, हम सब भी घर जाते हैं, कल कीर्तन की तैयारी जो करनी है। चले, हाँ, चले, 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 चले। हेलो बेटा पुसेना, गुरु महाराज के कीर्तन आयोजन के लिए सब जरूरी बातें मैंने तुमको बता भी दी हैं और इसमें लिख भी दी हैं। प्लीज ध्यान रखना, गलती से भी कोई गलती ना हो। अरे सोढ़ी अंकल डोंट वरी, गलती से भी गलती नहीं होगी, क्यों फ्रेंड्स? और शाबाश टप्पू सेना, वो वैसे भी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का हाथ हम सबके ऊपर है, देखना ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से होगा। और हाँ, कल सुबह सही समय पर कीर्तन की तैयारी में लग जाना। अंकल आप बेफिक्र रहिए और अंदर जाकर सो जाइए, हम लोग ना एक बार ये लिस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, बता किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। चलो आप लोग काम करो ना। हाँ। चल सड़िया है, चलते हैं। ठोबीजा रोशन, पिल्ले तुझे जो भेड़े भाई को एप्लीकेशन लेटर लिख के देना है वो तो दे दे, ताकि वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। सोनिया सही कह रही है, जो काम कल करना है वो अभी कर लो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
मैं एनवेलप लेकर आती हूँ। ओके सोनिए। हो गया। थैंक यू सोनिए। और ये काम भी पूरा कर लेते हैं। थैंक यू सोनिए। चल मैं पिलू को ये एप्लीकेशन देके आता हूँ। सोनिए अंकल हम भी आपके साथ चलते हैं। ओ, चलो बच्चों आ जाओ। चलो सोनिए मैं आ रहा हूँ। क्या एप्लीकेशन? ये तुम कल देने वाले थे ना? ठीक है ना, आज दिया तो भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मतलब कल देते तो भी चलता था असम होने से। मसूर चुकला तुमसा। वो गुरु महाराज के कीर्तन में इतने सारे काम करने होंगे तो मैं कहीं भूल ना जाऊं इसलिए अभी दे दिया। बरोबर बरोबर, एक मिनट ना सोड़ी। क्या लिखा है भाई? लगता है भीड़े अंकल के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अच्छा तुम पढ़ के बताओ। तो उसमें क्या है? ये क्या लिखा है? चश्मे के नंबर बढ़ गए। सोड़ी तुमने पंजाबी में एप्लीकेशन क्यों लिखा है? पंजाबी में लिखे? तेरी पंजाबी में लिख दिया यार। ओ पिरू, ओ गुरु महाराज का कीर्तन हम लोग अपने गोकुल धाम सोसाइटी में कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गया यार, शायद इसीलिए पंजाबी में लिख दिया। कोई गल नहीं छोड़ी भाई, पंजाबी में लिखा है तो क्या हुआ, मैटर महत्वाचार नहीं गो। हाँ जी। नहीं नहीं माधवी, नहीं ऐसा नहीं होता है। सॉरी छोड़ी, लेकिन मैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भिड़े अंकल एक बात बताओ, अगर मैंने आपके कुर्ते का रंग बदल लिया तो आप वो कुर्ते को कुर्ता नहीं मानोगे? गोकी बेटा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये एप्लीकेशन पंजाबी में लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सोड़ी अंकल, भिड़े अंकल ये एप्लीकेशन लेटर एक्सेप्ट करे ना करे वो उनकी मर्जी है, आपने तो अपना फर्ज निभा दिया ना। अब भिड़े अंकल ये तो नहीं बोल सकते कि आपने कोई नियम तोड़ा है, और वैसे भी भिड़े अंकल आपको सबके सामने कीर्तन के लिए परमिशन तो दे ही चुके हैं। जी? अरे वाह टप्पू। वही मैं सोचूं कि अभी तक सेनापति बोले कैसे नहीं। अब भिड़े अंकल कर लीजिए ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट, हमें घर जाके जल्दी सोना है और कल सुबह के डेकोरेशन भी तो करना है, प्लीज भिड़े अंकल प्लीज। हाँ किंतु वो तो वैसे भी करेंगे क्योंकि हमें परमिशन तो मिल ही चुकी है ना माधवी आंटी? हाँ मामा प्लीज। अरे तेनू मेरे तो भरोसा नहीं है। अरे भाई सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पे, तुम समझे नहीं भाई, सोसाइटी के नियमों के अनुसार एप्लीकेशन हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। अभी कल को कोई तमिल में, कोई बंगाली में, कोई गुजराती में एप्लीकेशन लिख के देगा तो आगे जाके रिकॉर्ड में पढ़ने में प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अभी काम करता हूँ, ये एप्लीकेशन रख देता हूँ, तुम जल्द से जल्द मुझे हिंदी में या तो इंग्लिश में लिख के दे दो। ओ रूल्स रेगुलेशन मेरे को भी मालूम है और तेरे को लिख के दे दूंगा यार। ओके बता। हाँ बाबा। परंपरा। परंपरा कस्ती परंपरा? मेरे अंकल खाली उतरो बड़ा सती परंपरा सती मेरे अंकल। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुनो फ्रेंड्स, हम डेकोरेटर को फोन करके बोल देते हैं कि डेकोरेशन का सारा सामान लेकर कल सुबह सोसाइटी आ जाए, ताकि हम कल सुबह से डेकोरेशन का काम शुरू कर दें। वाह 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 टप्पू तेरा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखना गुरु महाराज की कृपा से सारे प्रोग्राम फते होंगे। बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा। हे अकाल पुरख अंतर्यामी, तन 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, तन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, तन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, वाहिगुरु अकाल पुरख जी। आप जी का बच्चा आप जी का कोट आसरा लेके अरदास बेनती जोदड़ी कर रहा है सचे पातशाह। आप जी का सोडी परिवार, आप जी का पूरा गोकुलधाम सोसाइटी, अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी विच तन 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, आप जी का 550 साल प्रकाश उत्सव मनान जा रहा है। सचे पातशाह
हर मैदान फतेह बख्शना, सारे कारज रास करना, और पुलन हारा कोई भी पुलचुक हो जाए तो दे वस्ते माफ कर देना, अग्गे तो समृता बख्शनी, सारे कारज रास करने। सही गुरमुख प्यारे मेल जिना मिलिया, आप जी का नाम चिता आवे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अरे गोली की कर रही है ये काय कहे, उठे उसको, उठा उसको। गोली, अरे गोली उठ, अरे उठ। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। अंदर क्यों सो रहा था तू? बेबी भिड़े अंकल को थैंक यू बोलो, वरना तुम अब किडनैप हो जाते। किडनैप? अरे आपका किडनैप ले रहा था अंदर। एनीवे थैंक यू। हाँ चलो चलो, काम लगा। चलो बेबी। क्या भाई सोडी? अरे मैं तो जा। तैयारी है? हाँ जी मैं तो जा। वाह वाह सोडी। अरे जेठा ब्रा। ये कीर्तन की तैयारी तो जोर शोर से चल रही है भाई। हाँ जेठा ब्रा, गुरु नानक देव जी महाराज का 550 साल प्रकाश उत्सव है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं, तो एकदम शानदार तरीके से होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सोडी, आज गैरेज से छुट्टी? ओए प्रभू, इतनी बड़ी तैयारी करनी है तो आज गैरेज से छुट्टी। अरे भाई सोडी, इतना पावन कार्य हो रहा है सोसाइटी में, तुम कहो तो हम लोग भी छुट्टी ले लेते, नहीं जाते आज काम पे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे यस यस मेहता साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम लोग भी छुट्टी ले लेंगे। ओ यारो, आपको छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने काम पे जाओ, सब लोग है ना इधर, और कोई भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को फोन करके बुला लूंगा। पक्का छोटी? और पक्का जेड़ा ब्रा, हम लोग आ जाएंगे तुरंत, फोन कर देना। थैंक यू बाबू, थैंक यू भैया। ओके यारो, आओ अय्यर भाई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। मित्रों, आज कार्तिक पूर्णिमा यानी कि श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, इस शुभ और पावन अवसर पर हमारे सभी सिख बंधुओं को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर हमारे रोशन सिंह सोडी ने आयोजित किया है गुरबानी कीर्तन गोकुल धाम सोसाइटी। हम सभी लोग उत्सुक है गुरबानी कीर्तन सुनने के लिए और भक्ति के रंग में रंग जाने के लिए, और क्यों ना, क्योंकि गुरबानी कीर्तन सुनने से जो शांति मिलती है, जीवन और मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी काम आसानी से संपूर्ण नहीं होता, तो अब देखने वाली बात यह है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं आएगी, और अगर आएगी तो हम लोग उसे किस तरह से दूर करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।